फैसलाबाद में निजी बैंक की 9 मंजिला इमारत के 7वें फ्लोर पर शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग की छत पर मैसूर 8 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। शहरियों का रेस्क्यू अमले को खिराज तहसीन, आग पर काबू पा लिया गया, कूलिंग का अमल जारी है। तफसीलात के मुताबिक शहर के बिल्कुल वस्त में वाकया कुचहरी बाजार चौक में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर में आतिशजदगी का ये वाकया पेश आया है। इस 9 मंजिला इमारत के 7वें फ्लोर पर वाकया रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई, जिसकी इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमें फौरन मौका पर पहुंच गईं। आग बुलंदी पर लगने की वजह से रेस्क्यू टीमों को इस पर काबू पाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिलाखिर सख्त मेहनत के बाद रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। आग लगने के दौरान बैंक में मौजूद अमले के 8 अफराद अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए, जिनको निकालने के लिए वहां तक पहुंचना मुश्किल था। रेस्क्यू अहलकारों ने अपनी जान हथेली पर रखते हुए छत पर मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू करके मुतासरा बिल्डिंग से बाहिफाजत बाहर निकाल लिया है। इस वाकये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जिस पर शहरियों की जानिब से उन्हें खिराज तहसीन भी पेश किया गया है। जिले इंतजाम के अहदेदारों समेत एलियट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और दिगर इदारों के अफसरान भी मौका पर मौजूद थे। आग की शिद्दत को देखते हुए बिल्डिंग के इतराफ़ में तमाम मार्केटों को खाली करवा लिया गया था और करीबी शाहराहों पर ट्रैफिक भी बंद कर दी गई थी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक अब खतरे वाली कोई बात नहीं, बिल्डिंग को क्लियर कर दिया गया है और इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है।